अध्याय 15, लोकतंत्र में जन सहभागिता। बच्चों, आज हम लोकतंत्र में जन सहभागिता के विषय में जानेंगे। जैसा कि आपको पहले पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। बच्चों, इस प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी अन्य किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा होती है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र में लोग यानी कि आप और हम किस प्रकार अपनी जन भागीदारी निभा सकते हैं। बच्चों, जन सहभागिता के कई माध्यम हैं, जैसे कि मतदान करना, दबाव समूह तथा मीडिया की भूमिका। तो आइए आज हम बात करते हैं मतदान क्या है और क्यों आवश्यक है। बच्चों, कई लोकतांत्रिक देशों की भांति ही हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ पर देश की जनता अपने मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जिस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ज़्यादा संख्या में चुने जाते हैं वो अपनी सरकार बनाता है। और किसी भी राजनीतिक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के एक निश्चित आयु सीमा पूर्ण करने वाले नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया जाता है। और ये माना जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी। कहने का मतलब ये कि अधिक से अधिक लोगों का सरकार बनाने में सहभागी होना लोकतंत्र का एक मानदंड है। बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में पहले 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग मतदान में भाग ले सकें तथा लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन बच्चों, आप क्या सोचते हैं, क्या सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं?